हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में डिस्टेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है और उसका मान आर्टिकल्स की गणना की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है डिस्टेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है डिस्टेंट। तो मैं आपको ओरल समझाऊँ, मैंने आपको स्क्रीन पे भी लिख कर आपको समझा रखा है, ठीक है डिस्टेंट, लेकिन मैं आपको ओरल समझाता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन को पढ़ेंगे डिस्टेंट, ठीक है। तो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व शुरू करते हैं। देखिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में डिस्टेंट, एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा स्थित रहती है अर्थात संचित रहती है, वही ऊर्जा कहलाती है, उसका ऊर्जा घनत्व कहलाती है। मान लीजिए कि भी मान लीजिए अभी हम इसको एक प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे, तो इसके मान लीजिए इसका तो 100% आयतन है, ठीक है, पूरा आयतन कितना 100%, तो इसके एकांक आयतन में डिस्टेंट कितने आयतन में, एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा संचित होती है डिस्टेंट वही कहलाती है, उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाती है डिस्टेंट। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी लिख करके समझाया है, मैंने क्वेश्चन भी लिख करके दिया स्टेंट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ जाएगा, पूछ जाएगा ऊर्जा घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है डिस्टेंट। यू बराबर यानी स्मॉल यू डिस्टेंट, ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू से लिखा जाता है, और ये क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है डिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ लीजिए ऊर्जा घनत्व की। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, मैंने क्या होता है अभी एकांक आयतन में, ठीक है, 100% इसके आयतन में नहीं, आयतन का बन लेना, एकांक आयतन में जितनी भी ऊर्जा होगी डिस्टेंट वही ऊर्जा कहलाएगी, उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाएगी डिस्टेंट, ठीक है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात स्मॉल यू बराबर होता है बेटा कैपिटल यू बटे एडी। अब मैं इनका नाम सुनाऊँ, कैपिटल यू क्या बेटा आवेश चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, और जो ए डी है बेटा क्या है इसका आयतन है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, मैंने लिखा है माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या बेटा ए है, और इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या बेटा डी है। तो अभी को पूरा संधारित्र बनाते हैं, देखिए कैसा बनाया जाता है। तो मान लीजिए हमने इस संधारित्र की इस पहली प्लेट पर, ठीक है, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया बेटा, कौन चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया, और जब प्लस क्यू चार्ज दिया होता है तो बेटा इसकी पहली प्लेट तो क्या था पर यानी पहली प्लेट पर क्या रहता है प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। जबकि प्रेरणा के कारण क्या होता है, इसके दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर कौन सा चार्ज आता है बेटा माइनस क्यू चार्ज आ जाता है स्टूडेंट। ये घटना कैसे घटित तो होती है स्टूडेंट, अर्थात दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू चार्ज किस प्रकार आता है बेटा इस स्टूडेंट। तो मैंने इसका वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जब आप संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तब ये आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर निगेटिव चार्ज कैसे आता है स्टूडेंट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है, इसके बाहरी तल पर कौन सा चार्ज आता है बेटा प्लस चार्ज आता है, लेकिन वो प्लस चार्ज कहाँ जाता है, हम प्लेट पी टू को पृथ्वी से संबंधित करते हैं, यानी जिसकी दूसरी प्लेट है हम इसका संबंध कर देते हैं पृथ्वी से कर देते हैं, कैसे कर देते हैं पृथ्वी से। तो बाहरी तल का जो स्वतंत्र है वो कहाँ चला जाता है बेटा पृथ्वी में चला जाता है, कहाँ चला जाता है पृथ्वी में चला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए आपका आरटी बिल्कुल बन करके तैयार है, यानी जो समांतर पर संधारित्र है वो आपको बेटा बन करके तैयार है स्टूडेंट। एक बात याद रखें बेटा, हमें यहाँ पर क्या करना है, चित्र लगभग एक जैसे हैं, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो आर्टिकल्स मैंने कराया था डिफरेंट आप लोगों को, उसका डायग्राम भी लगभग सेम था, और ये आज हम ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकाल रहे हैं डिफरेंट, तो उसका जो सॉरी डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है डिस्टेंट, ठीक है। तो याद रखें डायग्राम बिल्कुल सेम है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का भी डायग्राम हमने इसी डायग्राम से सॉल्व किया था, और आज हम समांतर प्लेट संधारित्र अर्थात किसी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जो हम निकाल रहे हैं, तो बेटा यही हम डायग्राम लेकर के चल रहे हैं ठीक है। तो याद रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या गया आपसे, ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए आ जाए और आप ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकाल के आ जाएँ, ठीक है, और ऐसा ना हो कि आपको ऊर्जा घनत्व का व्यंजक पूछा और आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकल आएँ, ठीक है। लेकिन आपके लिए फायदे की बात यह है बेटा कि दोनों जो डायग्राम है, ठीक है, उनका सॉरी दोनों जो आर्टिकल्स हैं उनका डायग्राम बेटा एक ही है डिस्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला है हम आपको प्रूव करा चुके हैं, उसका मान कितना आता है देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है, उसका जो फार्मूला हमने प्रूव कराया था बेटा ये हो जाता, ये आता अपने पास सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर होता है। जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकाला था तो कितना आता है, ये आता सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थित ऊर्जा, ठीक है,
संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा, डिस्टेंस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी ये होता है यू बराबर, ये भी मैंने आपको प्रूफ करा दिया, एक बटा दो सी बी स्क्वायर के बराबर होती है, यानी किसी संधारित्र की या किसी चालक की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है कितनी होती है बेटा, एक बटा दो सी बी स्क्वायर के बराबर होती है, स्टैंड, ठीक है। अब देखिए सी का मान अपने पास ऑलरेडी है, सी का मान क्या देखिए के ए एप्सिलॉन अपॉन डी, तो देखिए देखिए यू बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल यू है, याद रखना कैपिटल यू, ठीक है स्टैंड, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, आप इसे चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकलवाई थी, तो तब ये फार्मूला मैंने आपको प्रूफ करा दिया है, ठीक है स्टैंड। तो देखिए यू बराबर हम करेंगे क्या स्टैंड, एक बटा दो, देखिए ये सी है, सी का मान मेरे पास ऑलरेडी है, कि समांतर बैठ संधारित्र की धारिता कितनी होती है बेटा, ये होती है, क्या होती है देखिए के ए एप्सिलॉन अपॉन डी के बराबर होती है स्टैंड, ठीक है। और ये क्या ये बी स्क्वायर है, क्या बेटा ये बी स्क्वायर, अब देखिए बी बराबर क्या होता है आपका बेटा, बी बराबर होता है बेटा ई डी, क्या होता है ई डी होता है, ये फार्मूला देखिए बेटा कई सारे आर्टिकलों में यूज हो रहा है, इसलिए इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए स्टैंड। तो इस बी की जगह मैं क्या रखूँगा बेटा, ई डी रखूँगा, क्या रखूँगा ई डी रखूँगा, देखिए ध्यान से समझें, बी की जगह आ गया बेटा ई डी आ गया, लेकिन इसका बेटा क्या बी स्क्वायर है, मान लीजिए इसका मैंने स्क्वायर ये कर दिया स्टैंड, ठीक है, ध्यान से समझें, मैंने सी का मान रखा यहाँ से यहाँ पे और बी का जो मान रखा ई डी रखा, ठीक है, जब बी स्क्वायर तो मैंने इसके मान का स्क्वायर कर दिया, देखिए ध्यान से यू बराबर हो जाएगा बेटा आपका एक बटा दो और ब्रैकेट में के ए एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है स्टैंड। इसका फार्मूला खोलेंगे तो इसका अर्थ आएगा देखिए ये हो जाएगा स्टैंड ई स्क्वायर और ये डी स्क्वायर, तो एक डी से एक डी बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यू बराबर आएगा आपके पास एक बटा दो और ये हो जाएगा बेटा के ए एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा बेटा ई स्क्वायर और ये बेटा क्या रहेगा आपका डी रहेगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे बेटा, इस ए को और डी को, ए क्या है बेटा क्षेत्रफल है और डी क्या है बेटा प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा एक आयतन बन, क्या बन जाएगा ये ए डी के बराबर हो जाएगा, ए डी का, ए डी क्या है बेटा आयतन है, ठीक है, तो हम इस ए को और डी को मैं पास पास लिखूंगा, ठीक है स्टैंड। तो देखिए क्या बनेगा अपने पास फार्मूला, ध्यान से समझे स्टैंड, ये यू बराबर हो जाएगा आपका बराबर एक बेटा दो के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ये हो गया बेटा आपका ए डी डिस्टेंस, ध्यान से समझें कि मैंने इस ए को और डी को बेटा पास पास लिखा, एक बेटा तो के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को मैंने पास पास लिखा, ठीक है। अब चलेंगे बेटा ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, किससे, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, क्या थी परिभाषा, परिभाषा से क्या थी परिभाषा, यानी ऊर्जा घनत्व की परिभाषा कहती है हमसे स्मॉल यू बराबर क्या कहती है कैपिटल यू अपॉन ए डी, जहाँ जो कैपिटल यू है बेटा क्या है आवेश चालक की स्थित ऊर्जा है, यानी वो मैं आपको निकाल चुका हूँ, और ए डी क्या है बेटा आयतन है, ठीक है, इसकी प्लेटों की जो क्षेत्रफल है वो क्या ए है, बीच की दूरी क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या निकल जाएगा इसका आयतन निकल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा तो यू बराबर आपके पास रहेगा बेटा आपको, अब देखिए ये यू है, इस यू का मैंने मान निकाल दिया, देखिए मान ध्यान से समझिए डिस्टेंस क्या है इसका मान एक बटा दो, ठीक है स्टैंड, और के और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर स्टैंड और ये क्या है बेटा ए डी, क्या है बेटा ए डी, और ठीक है बेटा ये तो अब काय का मान आ चुका बेटा, इसका मान आ जाएगा काय का कैपिटल यू का मान आएगा, लेकिन ये अपॉन में जो ए डी है बेटा वो अब ये रहेगा, ठीक है, यानी ये तो डेफिनेशन से है अपनी परिभाषा से ही साथ है अपनी, ठीक है, तो ये ए डी से ए डी बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका राय आ जाएगा यू बराबर रहेगा आपके पास एक बटा दो के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये फार्मूला बेटा आपका प्रूव हो चुका है, मात्रक लिखना चाहेंगे बेटा इसका मात्रक, ठीक है, ये क्या बेटा ये क्या यू क्या ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक देखिए यहाँ से देख लीजिए, यू क्या बेटा ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा जूल होता है, कितना होता है जूल, और ए डी क्या बेटा आयतन, तो आयतन का मात्रक होता है बेटा मीटर के क्यूब, मीटर की घात तीन, क्या मीटर की घात तीन होता है स्टैंड, तो इसको लिख सकते हैं जूल प्रति मीटर की घात तीन, ठीक है स्टैंड। अच्छा निर्वात और वायु के लिए क्या होता है बेटा के कमान क्या होता है बन हो जाता है, और आप निर्वात और वायु के लिए बात करो तो के कमान क्या हो जाएगा बन हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ध्यान से समझे, नहीं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर आ जाएगा ये देखिए निर्वात
अथवा वायु के लिए क्या होता है एडिशेंट? केवरा क्या होता है? केवरा क्या हो जाए बेटा? बन होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है? केवरा क्या होता है? बन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ के की जगह बन दूंगा तो साइलेंट, तो यू रह जाएगा। यू बराबर रहेगा बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा यही वो फार्मूला है जो आपके ऊपर स्क्रीन पर लिखा है डिस्टेंट। देखिए इस यू बराबर क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर होता है। तो हमने देख वही प्रूव कर दिया, 1/u बराबर 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है स्टैंड, एक बात याद रखना स्टैंड कि कैपिटल यू जो है बेटा आवेश चालक की क्या वैद्युतीय ऊर्जा है, जबकि स्मॉल यू क्या है बेटा आपका ऊर्जा घनत्व बेटा स्टैंड। ठीक है, इसमें अंतर याद रखें, कैपिटल यू है आवेश चालक की वैद्युतीय ऊर्जा, जबकि स्मॉल यू बेटा आपके संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्टैंड। तो जूल प्रति मीटर की क्यू बेटा, यही आपको प्रूव्ड करना था। कि आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैंड। यदि एडिशन आपको वीडियो पसंद आया एडिशन, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टैंड। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना लीजिए स्टैंड, आपका आर्टिकल बिल्कुल तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद।